स्टोरी बॉक्स विद जमशेद कमर सिद्दीकी। अखबार के पन्ने पलटते हुए फ्रंट पेज के कोने में छपी एक खबर पर ध्यान अटक गया। खबर में लगी उस तस्वीर में दिख रहे उस चेहरे की धुंधली यादें अब तक मेरे जहन में थी। अरे ये कैसे, कब हुआ, मेरे मुंह से अचानक निकला। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था, सो मैंने बुदबुदाते हुए खबर को दोबारा पढ़ा। कुछ देर तक मैं अपनी दोनों हथेलियों में चेहरा टिकाकर बैठी रही, आंखों को हथेलियों से दबाया तो हथेली पर नमी का एहसास हुआ। सालों पुरानी यादों से कई आवाजें वक्त की तहों से छनकर साफ सुनाई देने लगी। ये उस जमाने की यादें थीं जब मैं और सीमा दीदी हम दोनों ही कौन सा तीर चला लिया, बच्चे पैदा करके उनकी नैपी बदलने, उनकी उल्टी साफ करने का तजुर्बा ही मिला ना। अरे नहीं चाहिए मुझे ये तजुर्बा और नहीं चाहिए मुझे बच्चे। जब वो ये कहती थी तो उनका लहजा उनकी आंखों का साथ नहीं देता था, वाक्य के आखिर तक उनके शब्द भीग जाते थे। सीमा दीदी के दिल के भीतर मध्यम मध्यम आंच पे कुछ पकता रहता था। कभी कभी खाली बैठी किसी सोच में होती, क्या हुआ दीदी पूछो, तो वो कहती थी कुछ नहीं, और उनकी आंखों की कोरों से काजल की पतली सी रेखा उनके चश्मे से बाहर रेंगती नजर आती थी। समंदर के किनारे चलोगी, सीमा दीदी अपने मन की खो से बाहर आते हुए बोली। अभी दीप, घर पहुंचने में बहुत देर हो जाएगी। अरे यार, सीमा दीदी कुछ इरिटेट होती हुई बोली, घर पति बच्चा, यार तुम लोग इससे बाहर ही नहीं निकलते हो। अरे हमारी अपनी भी तो दुनिया होनी चाहिए, होनी चाहिए कि नहीं है? और फिर मेरे भी तो पति हैं, वो भी तो इंतजार करते, मैं तो नहीं करती परवाह। हाँ चलो यार चलते हैं। उन्होंने जिद की तो मैं मना नहीं कर पाई और कुछ देर बाद हम दोनों टैक्सी में बैठे समुद्र किनारे पहुंचे। नारियल के दरख्तों की सरगोशियां समुद्र की लहरों के शोर में गुम हुई जा रही थी। रेतीली पगडंडी से लगी झुग्गी झोपड़ियों से उठता धुआं गुच्छा बनकर समुद्र में मिल रहा था। लैंप पोस्ट की बत्तियों के बावजूद हल्का अंधेरा छा रहा था और सीमा दीदी खुद को अंधेरे में जैसे जैसे गुम कर देना चाह रही थी। हम लहरों से थोड़ा दूर जाकर एक पत्थर के टीले पर बैठ गए और परिवार की बातें करने लगे। वो मुझे और उनके पति के रिश्तों के बारे में बताने लगी। देखो भाई, पति पत्नी के बीच समझौते बहुत सारे होते हैं, लेकिन समझौते के बाद भी जिंदगी खूबसूरत ही होती है। हर समस्या का समाधान एक दूसरे से साझा करके तो निकाला जाता है। अब हम दोनों को ही देख लो, हर संडे हम लोग फिल्म देखने जाते हैं, मॉल में घूमते हैं, डिनर करते हैं, लाइफ को फुल एंजॉय करते हैं। ये कहते हुए सीमा दीदी एक पल को रोकी, जैसे जैसे वो कहीं किसी और दुनिया में चली गई हो, और बोलते बोलते उठी और समुद्र की लहरों के करीब खड़ी हो गई। मैं भी उनके साथ खड़ी हो गई। न जाने क्यों वो ये सब मुझे बता रही थी, मुझे समझ नहीं आ रहा था, पर वो बोले जा रही थी। वो बार बार कह रही थी, हम लोग तो बहुत खुश हैं, हम बहुत मजे करते हैं, हर सैटरडे थिएटर में ना कोई नया नाटक देखते हैं। अरे वो मेरी बहुत केयर। एक लहर से छिटका पानी उनके चेहरे पर पड़ गया, वो खामोश हो गई। मैं समझ रही थी कि कुछ तो चल रहा है उनके मन में, पर जब कोई कहे कि वो खुश है तो इसका कोई क्या जवाब दे। मैं उनके पास कैसा गई, सीमा दीदी ने अपने कुर्ते की आस्तीन ऊपर सरकाई और तभी मैंने देखा उनके हाथों पर लाल लाल धारियां, कोहनी के पास बहुत सारी खरोंचे, दी के गालों पर आंसुओं की एक लकीर फिसलने लगी। बोली, कई सालों से हो रहा है, ही इज इंपोर्टेंट, वो लाचार है और उसको जितनी ज्यादा लाचारी महसूस होती है वो उतना ज्यादा। कहते कहते चुप हो गई, फिर सुबुकते हुए बोली, उसने सारी हदें पार कर दी। मेरी आंखों में भी सैलाब आ चुका था। दीदी पर आप ये सब कब तक सहती रहेंगी। सीमा दीदी ने मेरी तरफ देखा और कहा,
तुमने कहा था ना कि आजाद हो जाना चाहिए। आजाद हो गई, छोड़ दिया उसको। सीमा जी, कहते हुए मैंने उनके कंधे पे हाथ रखा और वो मेरे कंधे पे सर टिकाकर हिचकियां लेकर रोने लगी। काफी बाद में मुझे समझ आया कि वो सारी बातें उनके भीतर की दबी अधूरी अतृप्त ख्वाहिशें थी। न वो कभी फिल्म देखने जाते थे, न कभी बाहर खाने। वो हर रोज बेरंग जिंदगी में रंग खोजती थी अपनी कल्पनाओं से, तसव्वुर से। दफ्तर में वो भले मुस्कुराती